का मिनुष है। जारी है। आदर्श विद्यालयों की परीक्षा क्लास की स्थापन भी किए गए हैं। इन सभी सुविधाओं का एक मार्ग ये जो नियुक्तियों की बौछार हो रही है इससे संबंधित सरकार गठन के पश्चात ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने इस ओर ध्यान दिया और वर्तमान सरकार ने वर्ष 2023-24 में अब तक कुल 14,361 शिक्षकों की नियुक्ति की। शिक्षक न होते तो ये दिन कैसे आता जब हर छात्र पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बन जाता। करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी उल्लासित हैं, आपके मुख पर मुस्कान बिखेरने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी यही कहते हुए सबोदा तालियां, क्योंकि वक्त आ गया है जिसका आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि हाँ आप हो नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं। अगला धनबाद से, दुमका से, सांकेतिक रूप से 24 के बीच, अब आवाज दे रही हूं, गोड्डा से मारी हिंदी, तालियां हो। इंग्लिश तालियां जोरदार। रामगढ़ से, संवेदनशील माननीय मंत्री इसको अगर एचईसी भारत सरकार झारखंड राज्य को सुपुर्द कर दे तो एचईसी में जिस तरीके से 32,000 लोग यहां रोजगार करते हैं उतना लोग फिर से इस एचईसी परिसर में रोजगार करते हुए आपको दिखेंगे। बिल्डिंग बना, एनकेन प्रकार प्रारंभ भी किया गया, लेकिन उसमें अभी और कुछ जोड़ने की जरूरत है, बहुत कुछ जोड़ने की जरूरत है और उसे जोड़ेंगे भी। अभी और भी स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी बनेंगे और भी शिक्षकों की नियुक्ति होगी। हमने आपके लिए और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाया और आज हम आने वाली पीढ़ी के लिए एक्सीलेंट टीचर दे रहे हैं। और मैं आप लोगों से यही उम्मीद करेंगे कि हम अपने आने वाले पीढ़ियों को इस तरीके से तैयार करें कि वो एक्सीलेंट रिजल्ट भी लेके बाहर आए। आज यहां पर जितने भी शिक्षक आए हैं अलग अलग कोर्स के, हम यही चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में इस तरीके से दोनों में अंतर बढ़ रहा था कि धीरे धीरे मुझे लगा कि यही स्थिति रही तो सरकारी स्कूल के बच्चे स्कूल में जाने के बाद भी किसी लायक नहीं रहेंगे। तो हमने ये संकल्प लिया कि अब सरकारी स्कूल भी अब प्राइवेट स्कूल के बराबर और उसी के हम समतुल्य चलेंगे। आपके यहां जो भी बच्चे आएंगे उनको जो शिक्षा तो दीजिएगा ही, वो हो सकता है कि वो शिक्षा ग्रहण भी कर रहा हो लेकिन हो सकता है कि उसके माँ बाप पढ़े लिखे ना हो। वो आएंगे आपके स्कूल में, आपके साथ जब संवाद हो तो ऐसे संवाद होने चाहिए कि उनके माता पिता को भी लगे कि नहीं
सही में हमारे इस राज्य का जो सर्वांगीण विकास की जो परिकल्पना और लकीरें खींची जा रही है वो अपने सभ्यता संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है। कई राज्य हैं देश में जहां अपना भाषा संस्कृति को लेकर ये लोग आगे बढ़े और आज देश के अग्रणी राज्यों में है विकास के। मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद आपके आशीर्वचनों।